हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी की बिल्कुल फाइनल कट ऑफ को लेकर, बिल्कुल कि क्या रह सकती है इसकी फाइनल कट ऑफ, यानी कितने नंबर है वो और बढ़ सकते हैं इसकी कट ऑफ के लिए। ठीक है, बात करें इसकी पोस्टों की तो 7176 पोस्टें हैं वो इसमें कुल है, जिनमें से सामान्य शिक्षा की मैं बात करूँ तो 2870 पोस्टें हैं वो सामान्य शिक्षा की है, वो हिंदी में इस बार है। ठीक है, तो इसके 2 गुण अभ्यर्थी यानी कि कम से कम 6300 समथिंग है वो अभ्यर्थी पास किए गए हैं 2 गुना के लिए। ठीक है, अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, तो उसके बाद है वो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितने नंबर है वो एड ऑन हो सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप पहले देख सकते हैं ये अपनी जो पुरानी कट ऑफ है यानी कि 2 गुना की कट ऑफ है वो क्या रह रही है। बात करें जनरल की तो 235 जनरल में रही है, यानी कि कट ऑफ है बहुत पहले से ही ज़्यादा रह चुकी है। तो इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है कि मैं मान सकता हूँ कि प्लस आप 5 करके चलिए, 5 से 6 नंबर है वो बिल्कुल आप जनरल में ऐड करके चलिए। और बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में इस बार थोड़ा सा उछाल आ सकता है, यानी 6 से 7 नंबर है आप ऐड कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप 4 से 5 नंबर है वो ऐड कर सकते हैं, एससी और एसटी में 4 या 5 नंबर है वो ऐड हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा है वो नहीं बढ़ने वाली है। बात करते हैं एमबीसी और ओबीसी की, तो बिल्कुल ओबीसी की कट ऑफ है 231, ओबीसी हालांकि सर्वाधिक बढ़ने की इसकी चांस है, तो इसमें मैं मान सकता हूँ कि कम से कम आप 7 से 10 नंबर है वो प्लस कर सकते हैं इसमें, 10 तो मैक्सिमम है लेकिन हाँ 7 भी रह सकती है, 7 से कम रहने की बहुत कम चांस है, यानी इतने नंबर थे वो इसमें ऐड होंगे। बात करूँ एमबीसी की तो एमबीसी में आप 5 से 6 नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है, आई होप यही कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से, और देखते हैं क्या फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं एक अनुमानित आंकड़ा है अपने तरीके से बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको रीट से संबंधित सारी अपडेट दी जाती है, साथ में अन्य भर्तियों की भी, कोई जो नया रिजल्ट आया हो, नया नोटिफिकेशन या कोई भी भर्ती हो उसकी अपडेट है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।